राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम की कहानियाँ तो काफी सुनी होंगी, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई और उसके बाद श्री कृष्ण की क्या व्यथा हुई, ये पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा तो वहीं राधा रानी कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई हजार साल बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था तो श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे। तब राधा रानी कृष्णा से मिलने द्वारका पहुंची थी, जहां उन्होंने कृष्णा के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारका ही रुकी, मगर बाद में कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। राधा रानी वन में अकेली रहने लगी और कृष्ण का नाम जप कर अपने अंतर ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वो समय आया और कृष्णा ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वो राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही ये भी राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न है। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बस ये इच्छा जताई कि वो आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर ध्यान हो कृष्ण में ही विलीन नहीं हो गई। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक जा पहुंची। तब कृष्ण ने उस जगह पर अपनी बांसुरी तोड़ दी और दो टुकड़े कर उसे फेंक दिया। राधा रानी के जाने के बाद से तब तक कृष्ण धरती पर रहे, तब तक उन्होंने फिर दोबारा बांसुरी कभी नहीं बजाई। इस कहानी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया।